तो और... सुदेश जी एक चीज है कि चुनाव काफी नजदीक है, मार्च में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं? जी जी बहुत, हमको चुनाव जनता लड़ा रही है, हम खुद से मन से नहीं अपने मन से नहीं लड़ रहा है, हमको जनता चुनाव लड़ा रही है और जनता हमको जिताएगी, इतना विश्वास है हमको। तो सुदेश जी एक चीज है कि इसके पहले जो ये पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत आपका वार्ड आया करता था, जी जी, तो जो भी वार्ड थे आपके पहले, क्या उनके कार्यकाल में विकास हुआ है? अच्छा, विकास कुछ नहीं हुआ है, विकास फेलियर है। सरकार तो बहुत तरह की योजनाएं बनाई थी, गली नली, सोखता, रोड, नल जल, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इसका लाभ मिला है आपको वार्ड की जनता को? आप भी जाइएगा हमारे गांव में तो आपको विकास फर्स्ट अपोल मंदिर के पास दिख जाएगा कि कितना विकास हुआ है वहाँ पे। तो सुदेश जी ये चीज़ है कि ये जो राजनीति है इसको बहुत से लोग हैं जो बिजनेस व्यू से चुनाव लड़ते हैं, बिजनेस सोचते हैं कि आज 20 लाख लगाएंगे तो कल 50 लाख हम कमा लेंगे। हम 50 लाख लगाने वाले नहीं है नेता, हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करके अपना उस भी उससे चुनाव लड़ रहा है। एक चीज़ है कि और देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो कहीं किसी काम के लायक नहीं रह गए हैं, तो वो भी आ जाते हैं चुनाव में कि चुनाव लड़ के जीतेंगे तो 5 साल के रोजगार हमको मिल जाएगा। हालांकि आपके पास तो अच्छा खासा एक बिजनेस भी, आपका खुद का दुकान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं इस मकसद से कि देखिए जनता की सेवा करना है, जनता का मतलब बहुत लोग हैं कि अपना रोजी रोटी चलाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सही बात है, हमको चुनाव लड़ना इस मकसद है कि जनता की जो भी काम है वो हम सही धरातल पर लेकर आए, ईमानदारी पूर्वक ईमानदारी पूर्वक लेके आए, धरातल पर लेके आएंगे तो जनता हमको आगे वार्ड पार्षद चुनाव बनाएगी, उसके बाद और भी कुछ बना सकती है, बड़ा पद दे सकती है। एक चीज़ है कि देखा जाता है कि जो सरकारी योजनाएं लाती है उसमें बंडरबांट बहुत ज़्यादा होता है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है, तो क्या माना जाएगा अगर सुदेश कुमार यहाँ के वार्ड पार्षद बनते हैं तो कमीशन पे लगाम लगेगा? हरदम लगेगा, अगर हम वार्ड पार्षद बनते हैं तो यहाँ का सभी लोग को ईमानदारी से रहना पड़ेगा, इतना मेरा गारंटी है। एक चीज़ देखा जा रहा है सुदेश जी कि पंचायती राज चुनाव अभी अभी समाप्त हुआ है और वहाँ के जो नतीजे आए हैं 90% पंचायतों में बदलाव हो गए हैं, और बदलाव के पीछे का रीजन यही है कि युवाओं का दबदबा चला है पंचायती राज चुनाव में और युवा के इंटरफेयर करने से ही ये बदलाव हुआ है। जी, तो क्या माना जाए नगर परिषद के चुनाव में भी युवाओं का दबदबा चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा, यहाँ भी चलेगा, चलेगा। और जो युवा वोटर है आपके वार्ड में, जी जी, तो वो किधर जाना पसंद करेगा, आपके साथ आना पसंद करेगा? हमारे साथ है, सभी लोग बोल रहा है कि मेरे साथ, बुजुर्ग भी हमारे साथ है और युवा भी हमारे साथ है, तो दोनों मिलेगा तो हम तो जीतबे करेंगे। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता आपको वार्ड पार्षद चुन देती है आपको, तो सबसे पहला कौन सा कार्य जरूरी है आपके वार्ड के लिए? नल जल का काम नहीं हुआ, फेल है। पैसा तहस नहस हो गया, पैसा 7 लाख रुपया घोटाला हो गया, तहस नहस हो गया। तो एक चीज़ देखा जाता है कि आप लोग सिवान में आते हैं, टाउन के अंतर्गत अब आ गए, तो सारे चीज़ों में थोड़ा महंगाई भी बढ़ जाएगा, पानी का भी, रोड का भी, बिजली का भी, सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, तो क्या ऐसी व्यवस्था कीजिएगा जिससे कम नुकसान उठाना पड़े आपकी वार्ड की जनता को? जी वैसा व्यवस्था होगा, तमाम चीज़ों की व्यवस्था, तमाम चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। तो एक चीज़ और है कि आप नए नए राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति में देखा जाता है कि जो लास्ट की 2 रातें होती है जी जी वही क्यामत की रात होती है, क्योंकि उसी 2 रात में पैसा के बल पे, लालच के बल पे वोट इधर उधर किया जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि पंचायती राज चुनाव में जो भी नेता ऐसा किया है वो चुनाव हारा है, तो किस भी चुनाव में अगर जनता को जो खरीदने की कोशिश करेगा जनता उसको जवाब देगी। जनता अभी जागरूक हो चुकी है, पैसे के बल पे, दारू के बल पे वोट देने वाली जनता नहीं है, जनता ईमानदारों के साथ रहेगी और काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति के साथ रहेगी जनता। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपके वार्ड की जनता आपको देख रही है, जी जी, और अब ये नगर निगम में आ चुका है, जी, और ये तय भी हो चुका है कि सुदेश कुमार अब इस वार्ड पार्षद से चुनाव लड़ेंगे, जी, तो उस जनता से आप क्या अपील करते हैं? आप हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जनता हमको जिताए, जो भी अधूरा कार्य है, जो भी कार्य होगा हम अपने करने पर तत्पर रहेंगे, जो भी जिम्मेवारी मिलेगा उसको संभालेंगे। तो जैसा कि अभी देखिए हमारे साथ मौजूद है सुदेश कुमार, जो भावी वार्ड प्रत्याशी हैं, अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितना नंबर वार्ड रहेगा, ये तय नहीं किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा कितना नंबर वार्ड का नाम दिया जाएगा, लेकिन ये फिक्स है कि सुदेश कुमार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनका साफ का नाम है कि मेरे वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजना दिया गया था उसका लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिला है, और यही कारण है कि ये जनता सुदेश कुमार के अंदर अपना भविष्य देख रही है, ये अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता के सहयोग से और जनता के कहने पर ये चुनाव लड़ रहे हैं,
और इनका साफ का नाम है कि मेरा चुनाव लड़ने का व्यू कतई बेरोजगारी नहीं और नौकरी नहीं है और बिजनेस नहीं है, मैं समाज व्यू से आया हूँ चुनाव में, समाज की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और इस वार्ड के हर जनता चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो सब लोग मेरे साथ है। तो खैर ये चुनाव बहुत नज़दीक है, मार्च में चुनाव है और नतीजा स्पष्ट करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।